जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। मेरे पीछे देखकर आपको पता चल गया होगा कि मैं हूं अभी हर की नगरी हरिद्वार में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरिद्वार जंक्शन पर क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, क्या कुछ आपको यहां पर मिलने वाला है। यहां पर वैसे रिटायरिंग रूम भी है, यहां से कहां तक के लिए गाड़ियां जाती हैं, कितनी गाड़ियां जाती हैं, कितने प्लेटफॉर्म हैं, कितने रेलवे ट्रैक है, ए टू जेड सारी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें, और अंत में अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये स्टेशन का प्रवेश द्वार, और वहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो छोटी सी LED लगी है वो है ट्रेन की डिटेलिंग। वहाँ पर आती है कौन सी गाड़ी कितने बजे कहाँ कैसे जाएगी, वहाँ पर वो आपको देखने को मिलेगी। और अगर आपको टिकट बुक कराना है तो आपको अनारक्षित काउंटर जो है वो इधर की तरफ है। चलिए पास में चल के दिखाते हैं। ये सारी बाइक की पार्किंग वगैरह है, इतनी सारी पार्किंग हुई है यहाँ पर बाइक की। तो आप भी अगर बाइक वगैरह पार्क करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप बाइक को पार्क कर पाएंगे। और ये है अनारक्षित टिकट घर, रिजर्वेशन टिकट ऑफिस। तो यहाँ से आप अपनी टिकट को रिजर्वेशन कर पाएंगे जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए। चलिए पास में चल के थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर एक ऋषि मुनि है, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कौन से ऋषि मुनि है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है। और ये है रेलवे टिकट काउंटर, जहाँ से आप अपनी टिकट को बुक कर पाएंगे कहीं भी जाने के लिए। वैसे खाली है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो यहाँ पर ऐसा है। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर देखें वॉशरूम भी है, लेडीज़ जेंट्स दोनों, जो कि बहुत कम रेलवे स्टेशनों पर देखने को मिलती है। और यहाँ पर इधर भी देखें, ये भी एक काउंटर है वहाँ भी, जहाँ पर आप टिकट बुक कर पाएंगे। काफ़ी बड़े एरिया में UTS मशीन उधर लगी है, तो टिकट आप अगर जनरल के लिए लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर जनरल कोच का भी टिकट ले पाएंगे। बाकी एक सेल्फी पॉइंट आपको यहाँ और मिलेगा, इंडिया अचीवमेंट 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन मोदी जी के साथ। ये देखिए ये सेल्फी पॉइंट, आप ये भी ले सकते हैं। यहाँ पर प्लेटफॉर्म की बात करूँ तो यहाँ पर प्लेटफॉर्म टोटल 9 है, जिनमें से 4 टर्मिनल है, और अगर ट्रैक की बात करूँ तो 11 ट्रैक है। और मेन लाइन यहाँ की जो है लक्सर देहरादून वाली लाइन है, जो यहाँ की मेन लाइन है। इतना सब कुछ बता दिया, लेकिन मेन चीज़ बताना आपको भूल गया, इसका स्टेशन कोड है HW और यहाँ है मुरादाबाद डिवीज़न में। देखिए ये यहाँ पर LED लगी हुई है, तो जिससे यात्री जो है बाहर से देख पाएंगे कि उनकी गाड़ी का समय क्या है और किस प्लेटफॉर्म पर उनकी गाड़ी आ रही है। एक छोटा सा वेटिंग एरिया ये भी है, जहाँ पर लोग अपनी गाड़ी की प्रतीक्षा करते हैं, ठीक है। और बाहर मेन एंट्रेंस पर आपको दिखेगा एस्केलेटर, तो अगर आप चाहें तो एस्केलेटर का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। एस्केलेटर को यूज़ करते हुए आप जा पाएंगे अपने प्लेटफॉर्म की तरफ। और यहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लिखा हुआ है, उत्तर रेलवे आपका स्वागत करता है। और यहाँ पर कुछ महात्मा लोग विश्राम कर रहे हैं। ये है मेन एंट्रेंस गेट के बाहर आपको एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ देखेगी, जो बहुत ही अट्रैक्टिव है। और यहाँ का सबसे मोस्ट सेल्फी पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो ये है। एक्चुअली यहाँ पर लोग आते हैं और सेल्फी लेते हैं। भगवान शिव की एक मूर्ति बनी है, बहुत ही खूबसूरत। यहाँ पर बैठे हैं लोग और मस्त सेल्फी लेते हैं, देखिए मज़ेदार। और एक गेट पर भी भगवान शिव की मूर्ति है, लेकिन ये काफ़ी हाइट पर है, तो इनके साथ वैसी सेल्फी नहीं ले पाएंगे लोग जैसी उनके साथ ले पा रहे हैं। ये है भगवान शिव के लिए एक खूबसूरत सी मूर्ति। ये बना हुआ है कलश, और कलश के ठीक सामने है भगवान शिव, और उधर है हरिद्वार का रेलवे स्टेशन, वह एग्जिट पॉइंट, और ये है प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार पर ही विराजमान है भगवान शिव, क्योंकि ये पूरा हरिद्वार भगवान शिव को समर्पित है, कहा जाता है ये शिव नगरी है। और यहीं से ही आपको पूरे हरिद्वार में जहाँ भी जाना है, हर की पौड़ी से लेकर A to Z जहाँ भी घूमने जाना है, आप देख पाएंगे यहाँ पर ऑटो रिक्शा, बैटरी वाले रिक्शा सारी यहाँ पर खड़े हैं। तो आपको यहीं से कहीं भी जा सकते हैं। सामने 2 गेट है, गेट नंबर 3, गेट नंबर 2, और गेट नंबर 1 जो मेन गेट है वो उधर है, वहाँ पर वो है गेट नंबर 1। और इसके सामने आपको होटल्स वगैरह हैं, अगर आप होटल्स में रुकना चाहें तो होटल्स की लाइन लगी है। खाने पीने की अगर आप कोई चीज़ लेना चाहें तो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। ये हरिद्वार जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। नीचे साफ़ सफाई आप देख सकते हैं, एकदम नीट एंड क्लीन है। थोड़ा सा रेड कलर्स में ज़्यादा रंगा हुआ है, तो रेडिश आपको शो कर रहा होगा। यहाँ पर जितने पिलर हैं सब पिलर को नंबर दिया गया, और यहाँ पर घड़ी भी है जिसमें आप टाइम देख सकते हैं। इंक्वायरी काउंटर है, पूछताछ केंद्र यहीं पर सामने है, तो यहाँ पर आप इंक्वायरी कर सकते हैं। बाकी की सारी चीज़ें आपको यहीं पर मिल जाएंगी, टिकट अधीक्षक कैबिन वगैरह। और अगर आपने रिटायरिंग रूम वगैरह भी लिया हुआ है तो
तो वो भी सुविधा यहाँ पर है, आपको दिखाएंगे अगले वीडियो में रिटायरिंग रूम के बारे में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बुक किया हुआ है, तो वो आपको मैं अगले वीडियो में दिखाऊंगा। आगे चल के मैं आपको दिखाऊंगा, एक बार मैं आपको टूर दे देता हूँ यहाँ का, फिर मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा कि रिटायरिंग रूम कहाँ पर है, कैसा है और कितने होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। तो फिलहाल आप इस वीडियो में ये देखो, देखो यहाँ पर मसाज चेयर है जिसका 50 रुपये चार्ज है 10 मिनट के लिए, तो आप अगर चाहें तो इसका भी आनंद आप ले पाएंगे। ये चेयर वैसे बहुत महंगी है, 1 लाख के आसपास इसका प्राइस है, लेकिन अगर आपको 50 रुपये में 10 मिनट का आनंद दे रहा है तो आपको लेना ज़रूर चाहिए, अगर आपकी शरीर की रिक्वायरमेंट है तो। ये है ड्रिंकिंग वाटर सेंटर, मतलब यहाँ पर प्याऊ केंद्र बोल सकते हो, नल लगे हुए हैं, फ्री सर्विस है, तो आपको पानी वगैरह लेना है तो आप यहाँ से ले पाएंगे। फ्लाईओवर के लिए आगे आप देख पा रहे हैं फुट ओवर ब्रिज बना हुआ है, उधर से आप दूसरे प्लेटफार्म नंबर पर जा सकते हैं, 2-3 जिधर भी जाना चाहे, आगे मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पर टोटल कितने प्लेटफॉर्म हैं। यह यहाँ का एग्जिट पॉइंट, एक समय था ये जो ब्लैक वाला आप देख पा रहे हैं ये LED है जहाँ पे ट्रेन की डिटेलिंग शो करती थी, लेकिन अभी फ़िलहाल कुछ है नहीं, बंद पड़ा है। और यहाँ पर एक सेल्फी पॉइंट भी है, मैं आपको वो चल के दिखाता हूँ सेल्फी पॉइंट। मोदी जी के साथ अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। यहाँ का प्रतीक्षालय कैसा है, वेटिंग हॉल कुछ ऐसा छोटा सा हॉल है वेटिंग हॉल, और यहाँ पर ये है वेटिंग हॉल, ठीक है, और ये है मोदी जी के साथ अगर आप सेल्फी लेना चाहते हैं तो सेल्फी ले सकते हैं। मोदी जी झाड़ू लगा रहे हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो आप इनके साथ सेल्फी ले सकते हैं। दिव्यांगजनों के लिए पीने के लिए यहाँ पर नल है, जो कि हाइट बहुत कम है क्योंकि दिव्यांगों के लिए कम हाइट पर ही बनाए जाते हैं, और बाकी पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म एकदम बहुत ही खूबसूरत है, चमकता हुआ ऐसा कुछ। देखो ये दादा है, स्टेशन पर जो भी साफ़ सफाई होती है, जो कचरा होता है, इस गाड़ी में भर के ट्रॉली के माध्यम से प्लेटफॉर्म से बाहर ले जाते हैं, और रात के बज गए हैं, मुझे लगता है 1 बज रहे होंगे, रात के बज गए 12:56, आप सोचो, देख रहे हैं कितनी रात को काम कर रहे यार, बहुत ही मेहनत का काम है भाई, ऐसे ही नहीं सब कुछ आसान हो जाता है। यहाँ अधिकारी विश्रामालय है प्लेटफॉर्म पर, और इधर खूबसूरत सी ग्रीनरी की गई है, हरियाली, और यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत सा सेल्फी पॉइंट है, यहाँ पर लोग सेल्फी लेते हैं, और पूरा आगे तक ऐसा ग्रीनरी किया गया है, और आगे भी एक सेल्फी पॉइंट है, चल के आपको पास से दिखाते हैं। और स्टेशन की साफ़ सफाई कैसी है आप देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं, एकदम चमक रहा है। देखिए, हम नहीं भूल पाएंगे, वी विल नेवर फॉरगेट, सॉल्यूटिंग इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी को समर्पित है, और बहुत ही खूबसूरत सा यहाँ पर बना रखा है, सतीश चंद्र जोशी, चंद्र सिंह, सुरेंद्र शाह, कुमार सिंह, उनके बारे में यहाँ पर सबके बारे में लिखा गया है, और चारों वीर जो हैं वो वीर चक्र इनको मिला हुआ है। और ये हरिद्वार स्टेशन के बाहर का नज़ारा, उत्तर रेलवे हरिद्वार, ठीक है, यहाँ पर पार्किंग की भी सुविधा है, तो पार्किंग वगैरह आप, अगर आप यहाँ कोई रह रहा है आपका, तो अगर आपको लेने आ रहा है तो उसके लिए बेस्ट है, यहाँ पर पार्किंग वगैरह है जिसका आप लाभ उठा पाएंगे। और यहाँ का मौसम सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत खूबसूरत, बहुत बेहतरीन है। गेट नंबर 2 और गेट नंबर 3 अभी बंद है, अपने को लेना है एग्ज़िट, क्योंकि मैं पहले कुछ खा पी लूँ, उसके बाद यहाँ पर जो अपना रिटायरिंग रूम बुक है वो आपको दिखाऊँगा कि यहाँ का रिटायरिंग रूम कैसा होता है, मैंने कितने का रिटायरिंग रूम यहाँ का बुक किया हुआ है, वो सारी चीज़ें आपको अगले वीडियो में मिलेंगी। अगर मैं इस वीडियो में इंक्लूड करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो चलो पहले चलते हैं मेन एंट्रेंस की तरफ, मतलब गेट नंबर 1 की तरफ, वही एंट्रेंस भी है और वही एग्ज़िट भी है, क्योंकि अभी 2 और 3 को लॉक कर दिया गया है। मे बी यहाँ पर जब कुछ मेला वगैरह होता होगा, कुछ भीड़ भाड़ ज़्यादा होती होगी, तब उसे खोला जाता होगा। मैं बाहर जाऊँ उससे पहले आपको एक बाहर से दिखा देता हूँ कि कैसा दिखता है रेलवे स्टेशन। वो जो एरिया है वो टिकट काउंटर के एरिया है, जहाँ पर खूबसूरत से पौधे पेड़ लगे हुए हैं, नारियल के मुझे लगता है शायद हैं। और ये जो एरिया है, ये वाला, ये एग्ज़िट पॉइंट है, और उसके बाद वहाँ पर जब आप जाएंगे तो वो जो एरिया है वो है एंट्री पॉइंट। वहाँ से प्रवेश लेना है, यहाँ से एग्ज़िट करना है, और यहाँ से सबसे पहले टिकट लेना है, ठीक है। यहाँ भी एक LED लगी हुई है ये वाली, लेकिन अभी LED बंद है, मुझे लगता है शायद कोई प्रॉब्लम होगी, बट ओवरऑल यही है बाहर से इसका व्यू। अब हम चल रहे हैं गेट नंबर 1 की तरफ से एग्ज़िट करने, और वहाँ पर सामने आप देख पा रहे हैं वो भी सुलभ शौचालय है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है हर रेलवे स्टेशन पर। ये देखिए, ये एग्ज़िट पॉइंट गेट नंबर 1, ऊपर येल्लो सा जो आप देख पा रहे हैं, कलश के जैसा कुछ कलर आ रहा है, ये येल्लो लाइट के थ्रू
इसको दिखाया जा रहा है, जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है। तो चलिए हम लेते हैं एग्ज़िट, मिलते हैं फिर दूसरी वीडियो में। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें।